कभी कभी क्राइम की ऐसी वारदात सुनने को मिलती है कि हर कोई स्तब्ध हो जाता है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में भी कुछ यही हुआ है। इस वक्त बदायूं दो मासूमों की हत्या के बाद से सुलग रहा है। जितनी निर्ममता से दो बच्चों का कत्ल किया गया है, सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम को बदायूं जिला मुख्यालय के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में विनोद कुमार और पत्नी संगीता रहते हैं। घर के नीचे ही संगीता पार्लर चलाती हैं। उनका अक्सर सामने सैलून चलाने वाले जावेद और साजिद से विवाद रहता था, जिसके बाद दोनों आरोपियों ने घर में घुसकर संगीता के तीनों बच्चों पर उस तरह से हमला कर दिया जिसमें दो बच्चों की मौत हो गई। फिर इसने बच्चों को बुलाया ऊपर, फिर एक को बड़े को रोक लिया, इसने छोटे से पानी मंगाया, बीच वाले को वहाँ गुटखा मंगाई। हमारे बच्चे गुटखा वगैरह नहीं लाते, जिसने मंगाया वो चले गए। और वो गया तो उसे पकड़ के उसका यहाँ तो उसका गिलास हाथ से गिरा, तो हमने पूछा तो आवाज ही नहीं आई, तो हमने हो सकता है डर ना बोला हो। वो फिर जो चाकू लेके नीचे लथपथ खून से आया, छोट बीच वाले को भी पकड़ा इसने, वो तो चाकू उसने उसके गिरा, उसने फेंका और छुटा के भाग के आ गया नीचे। उस समय दूसरा वाले व्यक्ति कहाँ था? दूसरा नीचे था। इस जघन्य डबल मर्डर के बाद पूरा इलाका सहम गया। वारदात के बाद हंगामा बरपने में देर नहीं लगी। मासूमों की हत्या के बाद गुस्साए परिजन सड़क पर उतर आए। उन्होंने इंसाफ की मांग को लेकर शव को सड़क पर रखा और प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान नाराज लोगों को जो मिला उसी को तोड़ते चले गए और पूरी सड़क पर जाम लगा दिया। बीच वाला उसके हाथ में मारा, दोनों काटे, दोनों उसके मारा हाथ में, वो ऊपर से कूद के आया वैसे ग्रिल से। बोले अम्मा देखो तो जाएंगे, तब तक गेट बंद कर लिया, अंदर से देखा छुरी थी तो इतनी बड़ी। अकेला कितना बड़ा था युवक? अरे बड़ा आदमी है वो तो। अरे उनका क्या नाम है? हमें पता नहीं। हंगामे और हत्या की सूचना मिलते ही इलाके का पुलिस महकमा फौरन हरकत में आ गया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। इस दौरान आला अधिकारी लोगों से हंगामा ना करने की अपील करते रहे, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। आज शाम को सूचना मिली कि यहाँ बाबा कॉलोनी मंडी सिंह पुलिस चौकी के पास एक स्थान है, उसमें एक युवक ने एक घर में घुसकर उसके पास का एक घर है जो बच्चों की हत्या करते हैं, तो उसको लेकर कुछ लोग आक्रोशित हो गए हैं। उनको बताया बजाया गया, मरीज को पोस्टमार्टम के लिए उन्होंने भिजवाया है और उनको आश्वस्त किया गया है। जो लैब में कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई बहुत समय से। घंटों मशक्कत और आश्वासन के बाद लोग माने, फिर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इधर पुलिस की टीम को इस मामले में कुछ ही घंटे बाद बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने एक आरोपी जावेद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। तो यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि दो बच्चों की नृशंस हत्या हुई और इस हत्या की सूचना पर पुलिस भी मौके पहुंची और वहां पर से अपराधी का पीछा किया गया। बाद में अपराधी जो था उसने पुलिस पर फायर करने का प्रयास किया, फायर किया, पुलिस ने अपने बचाव में फायर किया। इस फायर में उसकी जो है अपराधी की जो मौके मौत हो गई। दो बच्चे थे जिनकी जो है हत्या की गई, दो बच्चों जो थे जिनकी उम्र 12 साल 8 साल है, दो छत पर खेल रहे थे। वो अपराधी व्यक्ति आया, नीचे रुका, उसने सीधे छत चला गया, जाकर बच्चों की निश्चित हत्या कर दी। इसके बारे में इसकी उम्र 25 से 30 के बीच बताई जा रही है और इसकी डिटेल लिया जा रहा है कि व्यक्ति कौन था, क्या करता था, ऐसा क्यों किया। अभी तत्काल मुठभेड़ हुई है, इससे बहुत सारी जानकारी इस बारे में जुटाई जा रही है। बताया जा रहा है कि पुलिस जब तक जावेद तक पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में वो मारा गया। पुलिस के मुताबिक फिलहाल इलाके में हालात सामान्य हो गए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस फोर्स घटनास्थल पर तैनात है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पैनी निगाह रखी जा रही है। वहीं एनकाउंटर के दौरान फरार दूसरे अपराधी की तलाश जारी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।